गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदय प्रताप सिंह। आपको फोर्थ सेमेस्टर में आज एजुकेशन का एक टॉपिक है जो विशेष सूची की चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सभी को उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे। इस कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं, इसके कारण बहुत सारे लोग हताश भी हो रहे हैं। अतः आप हताश मत होइए, बहुत जल्दी ही ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका सिलेबस है, फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन की दो किताबें हैं, एक का नाम है शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे पहले की जाएगी, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपसे इसकी बात की जाएगी। बात कर रहे हैं कि सेमेस्टर की, तो आंसर आता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आज चर्चा हो रही है। और जो सिलेबस है एजुकेशन में उसकी चर्चा, सिलेबस जो मेन किताब का नाम है उसका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास। ये आपके वास्तव में सिलेबस किताब का नाम है, जो किताब आपको यहाँ पर पढ़नी है। आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक इसलिए लिख दिए गए हैं कि बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैम ने बताया था, मीटिंग हुई थी तो अजय सर ने बताया था कि वो सिलेबस आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वो सिलेबस तो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन बेसिक क्या हमें पढ़ना है, कितने यूनिट में हमारा सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पहले टॉपिक का नाम है शांति शिक्षा की अवधारणा। पहले टॉपिक का नाम क्या है? शांति शिक्षा की अवधारणा। मतलब हमारे जो एजुकेशन की अगर बात की गई है, शिक्षा की अगर बात की गई है, तो शांति शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? तो आंसर यह आता है, वर्तमान की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए या वर्तमान की शिक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए बच्चों में चारित्रिक विकास के लिए, नैतिक गुणों के विकास के लिए, आदर्श मूल्यों के विकास के लिए, सामाजिक गुणों के विकास के लिए, वैश्विक विकास के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है। इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी, पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसकी विशेषताएं, इसके गुण अवगुण और वर्तमान शिक्षा में इसकी आवश्यकता। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है? व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। पहले मैं बात करूँ पुनः सभी विद्यार्थियों से, जैसे अगर मैं बात करूँ व्यक्तित्व के बारे में, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने व्यक्तित्व का एक चैप्टर पढ़ा था कि व्यक्तित्व क्या है, तो आंसर आपको बताया गया था। व्यक्तित्व क्या है, तो आंसर यह आया था कि व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का मिला जुला रूप है। और व्यक्तित्व के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की बात की गई थी, व्यक्तित्व मापने की विधियों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पुनः डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पुनः आपको व्यक्तित्व पढ़ाया जाएगा, व्यक्तित्व की विधियों के बारे में बात की जाएगी और मेजरिंग मेथड पर्सनैलिटी की बात की जाएगी, व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में बात की जाएगी। दूसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, यानी समाज की भूमिका क्या है। ठीक है, बच्चों के विकास में या अगर बात की जाए शिक्षा के संदर्भ में या उसके सर्वांगीण विकास में समाज की भूमिका क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी। थर्ड टॉपिक का नाम है व्यवहार में उद्दीपन अनुक्रिया व्यवहार। पहले हमारे व्यवहार में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, व्यवहार में उद्दीपन एवं अनुक्रिया आपका फोर्थ टॉपिक है। अर्थात इस टॉपिक को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पहले टॉपिक का नाम है व्यवहारवाद और दूसरे टॉपिक का नाम है अधिगम के सिद्धांत। व्यवहारवाद में आपको पढ़ना है वाटसन का अधिगम सिद्धांत। व्यवहारवाद में आपको इसको पढ़ना है वाटसन का अधिगम सिद्धांत। हमें लगता है कि सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ये बताया जाएगा कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने किया था, तो आंसर है वाटसन ने किया था। और यहाँ पर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा की जाएगी, तो वाटसन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है अधिगम के सिद्धांत। आपके शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है अधिगम के सिद्धांत। अर्थात अधिगम सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है, अधिगम के बारे में चर्चा की गई है। पावलो, इवान पेट्रोविच पावलो, आपने नाम सुना होगा पावलो के सिद्धांत। पावलो का सिद्धांत क्या था, अगर बात किया कहीं कहीं जैसे अलग अलग इसके बारे में बताएं, तो अगर मैं बात करूँ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में चर्चा की गई है, थांडाई के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है, स्किनर का सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूतक बंधन सिद्धांत और हल का सिद्धांत, पुनर्बलन थ्योरी और कोहलर का सूज सिद्धांत के बारे में चर्चा आपके इस उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत में की गई। फोर्थ टॉपिक का नाम है हिंसा। अगर बात की जिसे नाम से ही स्पष्ट है हिंसा, तो यहाँ पर शांति शिक्षा में बताया गया है कि जिस
जैसे आपके आस पड़ोस, समाज, देश, हित, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो भी हिंसा हो रही है उसको उस के लिए रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। फिफ्थ टॉपिक का नाम है भारत में शिक्षा हेतु तो दार्शनिक चिंतन, यानी कि वास्तव में अगर मैं जैसे आपने पढ़ा महात्मा गांधी क्या कहते थे, यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए, यानी कि इसीलिए महात्मा गांधी को इसमें रखा गया है क्योंकि इनका जो मेन दर्शन है वो अहिंसा के प्रति है, यानी कि हमेशा जैसे आपने देखा आंदोलन के द्वारा, यानी कि बिना ऐसे आंदोलन की चर्चा इनके बारे में की गई है कि बिल्कुल मौन रखते हुए या भूख हड़ताल के द्वारा किसी कार्य को करा लेते थे, तो हिंसा इनका बहुत दूर थे हिंसा से, तो बाद में इसीलिए महात्मा गांधी के बारे में शांति शिक्षा में दर्शन को एक चैप्टर शामिल किया गया है जिसमें वर्धा शिक्षा योजना की बात भी की गई। सिक्स टॉपिक है मूल शिक्षा और सतत विकास और शिक्षा में लोकतंत्र, यानी कि जो वैल्यू है वर्तमान में समाज में शिक्षक की वैल्यू या बड़े बुजुर्ग, या अगर देखा जाए मानवीय मूल्य घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि उसमें एक कारण वो स्वयं भी है और सतत विकास के लिए यानी सर्वांगीण विकास के लिए हमें मानवीय मूल्यों को होना अति आवश्यक है। और शिक्षा में लोकतंत्र, लोकतंत्र जिसे आप अगर भारत की बात करें तो एक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो शिक्षा में लोकतंत्र की बात करता है। ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाना है उसमें जिसमें पढ़ा व्यक्तित्व के बारे में बात आपसे करनी है, अधिगम सिद्धांतों के बारे में आपसे बात करनी है, पावलो सिद्धांत के बारे में बात करनी है, थांडाई स्किनर हालो कोहले के बारे में बात आपसे करनी है, भारत में शांति शिक्षा है तो महात्मा गांधी का दर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, मानवीय मूल्य में सतत विकास के बारे में बात आपसे करनी है, शांति शिक्षा के कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है। अतः ठीक है, ये छोटा सा वीडियो आपको सिर्फ इसीलिए बताया गया है कि आप ये सिलेबस अपनी कॉपी पे, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, इसके बाद आप मुझे आप जो है ग्रुप पर व्हाट्सएप करेंगे सर मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको अपनी ये कॉपी बनानी है शांति शिक्षा की, शांति शिक्षा अनुसार प्रयास की, उस कॉपी में सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेना है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे आपको नोट्स बनाना है, उनको आपको सबमिट करना है। जैसे मैम ने आपको पहले बता दिया है कि मीटिंग में यही बात हुई थी कि एक एक दो दो टॉपिक पढ़ाने के बाद हर वीक में हर हफ्ते में कोई ना कोई टीचर गूगल मीट के द्वारा मीटिंग होगी और उसमें जो टॉपिक पढ़ाया गया होगा उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से अपने माता पिता अभिभावकों का ध्यान रखिएगा, अपना ये नोट्स बना लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।